सदाशिवराव भाऊ को इधर खासतौर से हिंदी बेल्ट में पानीपत के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो मराठों की हार हुई, तो आपको क्या लगता है क्योंकि आपने वो पूरा इतना कुछ पढ़ा है लिखा है? नहीं, जब मैंने उपन्यास का लेखन शुरू किया था तब शुरू में मेरे नज़र में सदाशिवराव भाऊ नायक नहीं थे, खलनायक थे। अच्छा, मैं भी उनको खलनायक ठहरा के पूरी जिम्मेदारी उनके सर पे देने वाला था। लेकिन जैसे मैंने पूरे कागजात पढ़े और यहाँ का हाल देखा, यहाँ की टोपोग्राफी देखी, और भाऊ ने ये जंग जीतने के लिए जो जो प्रयास किए थे वो देखने के बाद मेरा मत परिवर्तन हो गया। अच्छा। मन परिवर्तन हो गया एंड फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन कि नहीं भाई, ये नायक है, ये खलनायक नहीं, ये रियल नायक है। एक बात मैं बताता हूँ कि 14 जनवरी को जब भूखे पैसे मराठास तड़प रहे थे पानीपत पे, और इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चित किया गया था कि भाऊ के मदद के लिए पेशवा आएंगे पुणा से, और पेशवा नाना साहब दशहरे को 40,000 की फौज लेके दिल्ली की तरफ पानीपत की तरफ निकले। लेकिन वो कहाँ गए? वो वहाँ से पुणा से निकल के पैठन गए एक क्षेत्र, और ये उसी तीर्थ क्षेत्र में इन पेशवा ने अपनी जिम्मेदारी का कोई उनको तकलीफ नहीं रहा, ही डिंट बॉदर एंड ही गॉट मैरिड विथ अ 9-year-old गर्ल, खुद का शादी रचाया, और वो जश्न मनाने के लिए अपने दो दोस्तों का भी ब्याह कर डाला। ये कौन से तारीख को हो गया? ये 28 दिसंबर को हो गया, और पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी को हो गई। यानी कि जो किंग है, जो बादशाह है, जो जिम्मेदार है, वो खुशियाँ मना रहा था, जश्न मना रहा था, और ये बेचारे भूखे प्यासे मर रहे थे सेनापति मान लो। अच्छा, फिर भी भाऊ साहब ने जो अलासिंह जाट जो पंजाब के थे, पतियाला के थे, उनसे मदद मांगी थी और उनसे भाऊ साहब को मदद मिल रही थी, तो उन्होंने प्रयास किया, जंग जीतने का बहुत कड़वा प्रयास किया। तो इनकी कैरेक्टर इट वाज टोटली डिफरेंट जो अभी तक बताया गया, उससे मैंने जो संशोधन किया उस संशोधन में ये भाऊ का चित्र कुछ अलग ही मिला। आपके रिसर्च में ये सामने आया कि सदाशिवराव भाऊ ने कोशिश तो की थी पर उन्होंने पेशवाओं का, एक तो उनको साथ नहीं मिला, जब जरूरत थी तब पेशवा कहीं और थे। नहीं, और खाली पेशवा का भी साथ नहीं मिला, अगल बगल के जो हिंदू राजा थे मेवाड़ मारवाड़ इवन भरतपुर से भी, सब हिंदू राजाओं ने भी साथ नहीं दी। क्योंकि साथ नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया है, ये जंग होने के बाद वो अफगानिस्तान जाएगा। लेकिन अगर भाऊ की विजय हो गई और अफगानी वो अब्दाली की हार हो गई तो भाऊ यहाँ बैठेगा, दिल्ली का बादशाह बनेगा या पतियाला का बादशाह बनेगा। तो इस वास्ते बाकी के हिंदू इन मराठों को नहीं चाहते थे, इस वास्ते ना मराठों की मदद मिली, ना घर की ना मदद मिली, ना बाहर की मदद मिली। और क्या युद्ध के दौरान अपने परिवार को साथ रखने का भी मराठी फौज को नुकसान हुआ? हाँ, वो एक बहुत बड़ी वजह है। क्या है कि जब बड़े बाजीराव थे, बाजीराव नॉर्थ में आने के बाद उनका जो प्रेम बहुत चर्चित प्रेम प्रकरण हुआ मस्तानी के साथ, तो बाजीराव की माँ को ऐसा लगता था कि हमारे, जब क्या होता है दशहरे को सेना बाहर निकलती थी और बारिश के शुरू में वापिस आती थी, तो 8 महीना अगर आदमी मर्द घर से बाहर रहेगा तो किसी न किसी औरत के प्यार में फंस जाएगा। तो ये डर से तुम बाहर कुछ लपड़ा करने से घर की ही औरतें लेके चलो, परिवारिक लेके चलो। फिर इसका क्या हो गया कि तो फिर कई लोगों की घर की, कई लोगों की बाहर की, यानी कि जब छत्रपति शिवराय थे और फिर महिलाओं के साथ उनके नौकर चाकर ये उसको बाजार बुनगे कहते हैं मराठी में, बाजार बुनगे कहते, वो एक 40,000 की फौज थी और उसमें बहुत तीर्थयात्री थे। उस जमाने में तीर्थ यात्रा में जाने में दिक्कत थी क्योंकि बीच में डकैत थे वगैरह वगैरह, हाँ, चोरी चकारी के कारण। तो कुछ तीर्थयात्री थे, कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थी, और धर्म का पगड़ा, धर्म का प्रभाव जनमानस पे इतना बड़ा था कि भाऊ
कुड नॉट अपोज रिलीजन, और पेशवा को भी धर्म के सामने हार मानी पड़ी। तो इस वजह से वो 40,000 का जो एक्स्ट्रा बैगेज सेना के साथ था, अंत में उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। रसद के फ्रंट पे भी दिक्कत आई कि खाना सबको खिलाना दिक्कत हो गई, फिर उत्तर भारत का मौसम और बरसाती नदियों ने भी दिक्कतें पैदा की। तो इन सब वजहों से पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठे हार गए, और फिर कहावतें पैदा हुई कि विश्वास तरगेला पानीपतच्या युद्धात। क्या मतलब इसका बताइए? इसका मतलब कि विश्वास पेशवे डाइड इन द बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन मेरे उपन्यास के बाद लोग कहने लगे कि यस, वन विश्वास लॉस्ट इन पानीपत, अनदर विश्वास विन द पानीपत बैटल।